हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका प्रगति व्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। ये मैं आज अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। मेरे बच्ची के स्कूल के बुक्स और बैग वगैरह आए हैं आज ऑनलाइन। तो मैंने उसका एडमिशन पोद्दार इंटरनेशनल में कराया। तो वहाँ की पॉलिसी ऐसी है कि ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करना पड़ता है और बैग भी उनको वहीं से मिलता है। ये कुछ 5,495 रुपये का पार्सल था। तो मैंने इसे लास्ट वीक ऑर्डर किया था। अभी ऑर्डर करने के बाद में ये आज हमें होम डिलीवरी मिल चुकी है इसकी। तो देखिए, मैं इसे अनबॉक्स कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये एक आइटम मिला है। ये एक येलो कलर का बैग है, बहुत ही सुंदर है। तो मैं इसको बाद में आपको पॉलीथीन में से भी निकाल कर दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में नंबर मैजिक होम प्ले किट है, इसमें भी जो कुछ है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है इसका रिंजा का स्कूल बैग। ये कंपलसरी यही बैग रहता है। हम जब स्कूल जाते थे सबको अलग अलग बैग रहते थे, और अभी भी बहुत सारे स्कूल में यही रूल है। सब अपने अपने पसंद का बैग शॉप में जाके ख़रीदते हैं, बट पोद्दार इंटरनेशनल में ऐसा नहीं है। उनको बैग भी वहीं से अवेलेबल करा के दिया जाता है। तो सबके बैग सेम होते हैं। तो मेरी बच्ची भी बहुत खुश है, उसको लग रहा है उसका बैग आ गया है। तो अभी उसको स्कूल जाना है, तो वो खुशी से अपनी दादी के पास में लेके जाके अपना बैग दिखा रही है। तो इस तरीके से अब मैं दूसरा बैग बॉक्स भी अनपैक कर रही हूँ। पोद्दार इंटरनेशनल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, अभी टॉप पे चल रहा है स्कूल। तो ये हमारे बल्लारशाह में भी है। तो हम लोगों ने भी जब स्कूल का सिलेक्शन कर रहे थे तो हमें भी पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल का सभी चीज़ें अच्छी लगी। उसका फीडबैक वगैरह सब देखने के बाद में हम लोगों ने इसका एडमिशन पोद्दार इंटरनेशनल में कराया था। तो अभी ये इसके बुक्स का बॉक्स था। इसमें बहुत सारे बुक्स हैं, 4 से 5 बुक्स है। बच्चों को रहता ही क्या है, लेकिन देखिए कितने सारे हमारे वक्त में भी इतने सारे बुक्स नहीं थे, लेकिन अब इनके टाइम पे तो बहुत अभी एडवांस सब कुछ हो गया है। तो उस हिसाब से हमें भी वो फ्लो जाना पड़ता है। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे बुक्स हैं। तो इस तरीके से कम से कम पाँच या 6 बुक्स हैं। उसके अल्फ़ाबेट वाले हैं, नंबर्स वाले हैं, कुछ मैजिक बुक्स भी हैं, प्ले किट है। तो इस तरीके से ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, अलग अलग तरीके के हमें देखने के लिए मिलेंगे। बच्चों के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, पूरी तैयारी स्टार्टिंग से ही करनी पड़ती है। हम भी हमारे टाइम पे अपने मम्मी पापा को इसी तरीके से, हम तो तब स्कूल जा मतलब शॉप में जाके मुझे ये बैग चाहिए, मुझे ये बुक इस तरीके की चाहिए, तो इस तरीके से हम शॉपिंग करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बच्चों को सब स्कूल से अवेलेबल होता है। तो अभी मेरी बच्ची के लिए भी ये सब कुछ अवेलेबल हो चुका है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ। अब मेरी भी लाइफ की एक अलग जर्नी चालू होने वाली है। सुबह जल्दी उठो, बच्चों का टिफ़िन, उसकी तैयारी, बच्ची काफ़ी छोटी होने के कारण उसकी पूरी तैयारी मुझे ही करके देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पोएम वाली बुक है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर पोएम्स है। तो अब मेरी बच्ची को बहुत सारे पोएम्स आते हैं, क्योंकि वो आंगनवाड़ी स्कूल में जाती है, घर के जो पास में है वो रोज़ जाती है वहाँ पर। तो लेकिन अभी उसका रियल स्कूल चालू हो जाएगा। ये एक बहुत ही प्यारा कपड़े का बैग है। इसमें मैंने पूरी चीज़ें फिर से पैक करके रख दी थी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि शायद ये एक्स्ट्रा जो सामान है जो स्कूल नहीं लेके जाना है वो इसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक बैग है। फिर उसके बाद में मैं और दूसरी भी चीज़ आपको दिखाऊँगी। बहुत ही कपड़े का बहुत सुंदर और प्यारा बैग है। तो फिर उसके बाद में ये है एक नंबर मैजिक होम प्ले किट है, जो शायद हमें इसे रिंजा को शायद घर पे ही हमें इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो इसे खोलने के बाद में रिंजा भी बहुत एक्साइटेड हो गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें ही उसे नॉलेज देना पड़ेगा।
बहुत ही खुश होती है। बचपन तो ऐसा ही होता है। देखते देखते मेरी बच्ची भी अभी 3 साल की होने वाली है और उसका स्कूल स्टार्ट होने वाला है। 6 तारीख से उसका स्कूल चालू होगा, 6 अप्रैल से। तो जब हम लोग इसका एडमिशन दिसंबर में ही करा लिया था, क्योंकि हमें लगा कि सीट वगैरह फुल हो जाएगी, उससे पहले ही एडमिशन करा लो, तो मैंने जाके दिसंबर में ही एडमिशन करा लिया था। तो वहाँ के ऑफिस वाले भी बोल रहे थे कि आप लोगों का फर्स्ट एडमिशन है नए सेशन के लिए। तो हम भी बहुत खुश हो गए कि मतलब फर्स्ट एडमिशन जो था इस सेशन का वो रिंजा का था। तो इस तरीके से उसने बैग भी लटका लिया है, उसे बहुत खुशी हो रही है, उसे लग रहा है कि अभी आज ही स्कूल जाना है। और वैसे भी सुबह से बहुत बोल रही थी मुझे स्कूल जाना है। तो बहुत खुशी से जाती है जब भी आंगनवाड़ी जाती है, तो उसको लगता है कि बहुत मतलब वहाँ फन होगा और अच्छा भी लगता है आंगनवाड़ी में जब भेजती हूँ तो। लेकिन अभी 6 तारीख से तो मॉर्निंग की स्कूल चालू हो जाएगी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें गुड लक विश कर दीजिएगा। थैंक यू।